तालिबान का भाईजान पाकिस्तान। जी हाँ, तालिबान जैसे ही अफगानिस्तान पर काबिज हुआ है, वैसे ही उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही दूसरे देशों को लेकर उसका क्या रुख है, ये भी साफ हो गया है। जिस तरीके से अफगानिस्तान में लोगों की तरफ से पाकिस्तान विरोधी रैलियां निकाली गई हैं और उन लोगों पर तालिबान की तरफ से फायरिंग की गई, उससे साफ जाहिर होता है कि तालिबान के पाकिस्तान को लेकर क्या रुख है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तो तालिबान लगातार लोगों पर, जो अफगानिस्तान की जनता है, उस पर क्रूरता दिखाता हुआ नजर आ रहा है, फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान का जो अहम रोल है वो नजर आ रहा है। जो अफगानिस्तान में रह रहे लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है, और जो अहमद मसूद के जो लड़ाके हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान हैं वो देखे गए हैं। इससे साफ है कि पाकिस्तान लगातार तालिबान की मदद कर रहा है। तो ऐसे में अहमद मसूद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी ये जंग खत्म नहीं होगी, अब हमारी सीधी जंग तालिबान से नहीं है, हमारी सीधी जंग जो है वो अब पाकिस्तान से है। यानी पाकिस्तान जिस तरह से तालिबान की मदद करता हुआ नजर आ रहा है, उससे ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तान तालिबान अब दोस्त हो गए हैं। और ये दोस्ती किस हद तक जा सकती है, उसकी बानगी कल भी देखने के लिए मिली और आज भी देखने के लिए मिली। चारों तरफ युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, दोनों तरफ से लड़ाके जो है एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तालिबान की अगर बात की जाए तो तालिबान अब सीधे तौर पर अफगान नागरिकों को टारगेट करने में जुड़ा हुआ है। कि काबुल में विरोध प्रदर्शन जरूर देखा गया है, महिलाएं खासतौर पर विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। तमाम तस्वीरें हमारे सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक अलग ही चेहरा लगातार सामने आ रहा है। काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। हालांकि इमरान खान सामने नहीं आ रहे हैं और कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अहमद मसूद कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक अहम रोल निभा रहा है तालिबान और पंजशीर की लड़ाई में, उससे अब हमारी जो सीधी जंग है वो पाकिस्तान से है। तालिबान तो सिर्फ मोहरा है, असली खेल पाकिस्तान खेलता हुआ नजर आ रहा है। आईएसआईएस जो है वो खेल खेल रहा है। इससे अब आतंकियों का जो दबदबा है वो अफगानिस्तान पर और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि कोई भी देश अब इसमें दखल अंदाजी नहीं कर रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन जो है वो सीधे तौर पर तालिबान की मदद कर रहा है। जो अमेरिकी हथियार वहां पर बचे थे, अमेरिकी सेना तो चली गई छोड़कर 31 से पहले ही, 30 तारीख की रात में ही, लेकिन डेडलाइन से पहले अमेरिकी सैनिक चले गए हैं, लेकिन एक बड़ा जखीरा जो है हथियारों का वो अब भी देखा गया है। उन हथियारों का इस्तेमाल जो है तालिबानी लड़ाके कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो हथियार है वो इतने आधुनिक हैं कि तालिबानी लड़ाके उसे समझ नहीं सकते हैं और उन्हें समझना उनके लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो हथियार तालिबानी लड़ाकों के पास है उससे वो तबाही मचाते हुए नजर आ रहे हैं। तबाही का मंजर अफगानिस्तान में पिछले एक महीने से लगातार देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि 15 अगस्त की रात जो वहां के राष्ट्रपति थे वो देश छोड़कर चले गए थे, ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। अफगानिस्तान में अब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलना या कुछ करना भारी पड़ सकता है। उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि काबुल में पाकिस्तान विरोधी रैलियां निकाल रहे लोगों पर तालिबान ने गोलियां चलाई हैं। इसमें कई महिलाओं और बच्चों के घायल होने की भी खबर है। बता दें कि पंजशीर की जंग में पाकिस्तान के दखल और तालिबान का साथ देने से अफगानिस्तान के लोगों में गुस्सा है। दूसरे दिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले काबुल में बीती रात महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। इस तालिबान के जुल्मों और पाकिस्तान घुसपैठ के खिलाफ प्रदर्शन बताया जा रहा है। वैसे तो अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में महिलाएं पिछले कई दिनों से अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन काबुल में पहली बार रात में प्रदर्शन हुए हैं। तालिबान ने पंजशीर की जंग जीतकर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा होने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से ये लड़ाई जीती है। रेजिडेंस फोर्सेस की अगुवाई कर रहे अहमद मसूद ने कहा है कि पाकिस्तान वायुसेना लगातार हमले कर रही है ताकि तालिबान आगे बढ़ सके। अब हमारी असली लड़ाई पाकिस्तान से है, क्योंकि पाक सेना और आईएसआई तालिबानियों का जंग में नेतृत्व लगातार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।
तो तालिबान की लड़ाई जो है वो लगातार पंजशीर के साथ जारी है। काबुल में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग भी लगातार की गई है। फायरिंग के बाद अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा सकता है। इस तरह की तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल काबुल में तालिबान के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ रैलियां भी निकल पड़ी हैं। यानी जो अफगानी नागरिक है, जो तालिबान को पसंद नहीं करते, जो वहां के इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं, जो शरिया कानून है उसे नहीं मानते, वो महिलाएं अब सड़कों पर निकलती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर जो तालिबानी लड़ाके हैं वो उन पर फायरिंग कर रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें लगातार देखी गई हैं। यानी तालिबान अभी तक जरा भी नहीं बदला है। जो 20 साल पहले था उससे भी क्रूर चेहरा जो है वो तालिबान का देखने के लिए मिला है। तालिबान पूरी तरीके से अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसी वर्चस्व के चलते पाकिस्तान से पूरी सहूलियत, पूरी सुविधाएं और पूरा समर्थन तालिबान को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अफगानिस्तानी जो नागरिक है वो परेशान है। चप्पे चप्पे पर जो लड़ाके हैं अफगानिस्तान के और जो तालिबान के लड़ाके हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान के रंग बेढंग नजर आते हैं। क्या पंजशीर में खुद गई तालिबान की कब्र? जहां एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी जड़ें जमा ली हैं, वहीं अफगानिस्तान में पंजशीर ने अपने दृढ़ विश्वास और संकल्प के साथ तालिबानियों का सामना किया। उन्होंने तालिबान के सामने हार नहीं मानी और पूरी हिम्मत के साथ, तब जब पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका था, पंजशीर के सैनिकों ने तालिबान से लोहा लिया। सिर्फ ये सोचकर अपने हथियार नहीं डाल दिए कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, पर अब खबर आ रही है कि पंजशीर में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका अभी तक पता नहीं चला है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तालिबान का एयर अटैक, तालिबानी ठिकानों पर सैन्य विमानों से हमला। तो पंजशीर में तालिबान एयर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। विद्रोही सेना के लीडर ने बड़ा बयान दिया है, विमानों से हमला, और विद्रोही सेना के लीडर ने बड़ा बयान दिया, खून की आखिरी बूंद बहने तक लड़ेंगे। पंजशीर में तालिबान की कब्र खुद गई है। पंजशीर में तालिबान पर बम वर्षा होती हुई नजर आई है। तमाम वीडियो, तमाम तो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने नजर आ रही है। तो पंजशीर में तालिबान की खबर खुद गई है, ऐसे तमाम सवाल हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। नेशनल रेजिडेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान के चीफ और अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने तालिबानी दावे को खारिज किया है। मसूद ने कहा कि पंजशीर पर पूरी तरह तालिबानियों का कब्जा नहीं हुआ है। तालिबानियों के खिलाफ लड़ रही सेनाएं अजय हैं और हम खून की आखिरी बूंद तक ये जंग लड़ेंगे। वहीं विद्रोही नेता बोले कि असली जंग पाकिस्तान से है। अहमद मसूद ने भी कहा है कि पाकिस्तान वायुसेना लगातार हमले कर रही है ताकि तालिबान आगे बढ़ सके। अब हमारी असली लड़ाई पाकिस्तान से है, क्योंकि पाक सेना और आईएसआई तालिबानियों का जंग में नेतृत्व कर रही है। ईरान ने पंजशीर में तालिबानी हमले की निंदा की है, साथ ही कहा है कि तालिबान के हमलों में पाकिस्तान की भूमिका की जांच कर रहा है। एनआरएफ चीफ अहमद मसूद और नॉर्दर्न अलायंस के लीडर अमीरुल्लाह साहले दोनों ही तालिबानियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। दोनों ही नेता इस वक्त तजाकिस्तान में हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक दिन पहले साहले के पंजशीर स्थित घर पर ड्रोन हमले किए थे। इसके बाद साहले को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। उनके कमांडर की इस हमले में जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो पंजशीर में तालिबान पर एयर अटैक होता हुआ नजर आया है और इसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान का हाथ
साफ दिखाई देता है कि तालिबान के सर पर है या तालिबान के हाथों में है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। दुनिया भर की निगाहें इसी दोस्ती पर टिकी हुई है कि पाकिस्तान और तालिबान में जो दोस्ताना है, इससे आने वाले समय में कौन कौन से देश को खतरा हो सकता है। कोई बड़ा खतरा पाकिस्तान और तालिबान मिलकर पैदा ना करें, इससे पहले ही तमाम देश जो हैं इस पर मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मंथन किस राह पर जाएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि तालिबान का आतंक खत्म नहीं हुआ है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हो गई है, लेकिन अफगानिस्तान अभी आजाद नहीं है। अफगानिस्तान के पैरों में तालिबान की बेड़ियां, तालिबान की जंजीर साफ तौर पर दिखाई देती है। ना तो आप कहीं आ जा सकते हैं, ना ही आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, ना ही आप अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं। ऐसे हालात अफगानिस्तान के हो गए हैं। इन 20 सालों में अफगानिस्तान बहुत मॉडर्न हुआ, उससे पहले भी अफगानिस्तान मॉडर्न हुआ लेकिन इन 20 सालों में बहुत कुछ बदला है। लेकिन अब एक बार फिर से अफगानिस्तान 20 साल पीछे चला गया है। संदीप दुबे बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। संदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। संदीप जी, ये जो पंजशीर में तालिबान कर रहा है या पाकिस्तान जिस तरह से हस्तक्षेप कर रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान का याराना एक बार फिर से जवां हो गया है? देखिए, मैं इसमें स्पष्ट बात करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भारत हमेशा विश्व में शांति का हिमायती रहा है और भारत चाहता है कि विश्व के अन्य देश भी आपस में वार्ता के माध्यम से ही सभी समस्या का समाधान ढूंढ लें, क्योंकि अहिंसा जो है आंख के बदले आंख किसी भी राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। वहां पे अगर पाकिस्तान द्वारा इस तरह की कोई गतिविधि अफगानिस्तान में फैलाई जा रही है या तालिबान की मदद की जा रही है तो ये घोर निंदनीय है और ये अंतर्राष्ट्रीय जो न्याय है उसका खुला उल्लंघन है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसी जितनी भी परिस्थिति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, सरकार उस पर निगाहें गड़ाई बैठी है और सरकार चाहती है कि अभी भी तालिबान और अफगानिस्तान या तंजीर में जो अफगानिस्तान में जो भी स्थिति उत्पन्न हुई है उसको आपसी समझौते के माध्यम से, बैठ के वार्ता के माध्यम से वहां पे सभी पक्ष मिलके इसका। संदीप जी, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें पाकिस्तान दिखा रहा है, पंजशीर साफ तौर पर ये कहता हुआ नजर आ रहा है पंजशीर की तरफ से कि पाकिस्तान एयर अटैक कर रहा है वहां उनके लड़ाकों पर, तो क्या लगता है कि इतनी आसानी से ये पूरा मामला सुलझ सकता है? भारत की क्या स्थिति रह सकती है? भारत किस तरह से अपनी आवाज वैश्विक पटल पर रख सकता है? क्योंकि भारत के लिए मुश्किल समय हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये कोई यहाँ पे तानाशाही राज नहीं है कि एक राज्य को खत्म करने के लिए दूसरे राज्य को, अगर राजा चाहता है दूसरा राजा बनना तो हथियार के बल पे भारत में सत्ता परिवर्तन नहीं होते। भारत में सत्ता परिवर्तन वैचारिक परिवर्तन होता है। यहाँ पे जनता जो है वो वोट देती है, वोट के माध्यम से जैसा चाहती है वैसा यहाँ पे सरकारें बन जाती हैं, सरकार आती रहती है जाती रहती है। दूसरे प्रदेशों में तालिबान में या अफगानिस्तान में जो ये तालिबान है और या जो वहाँ की स्थिति, वो स्थिति ऐसे है कि जो पूर्व में राजा महाराजा होते थे कि एक को उतारने के लिए उसकी नस्लें खत्म कर दो फिर दूसरे लोग बैठ जाए, तो हम लोग भारत के लोग ऐसी किसी भी व्यवस्था के को बेहतर नहीं मान सकते। हम चाहते हैं कि पूरी तरह से परस्पर तरीके से वहां अफगानिस्तान के अंदर संघर्ष विराम हो और इस तरह के खून खराबे से दुनिया को गलत संदेश जा रहा है और मानवता शर्मसार हो रही है। रही बात संदीप जी, लेकिन पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के मुद्दे पे मैं एक ही बात कहूंगा, मेरी बात सुन लीजिए, पाकिस्तान पूरे विश्व के अंदर खुद अपनी छीछा लेदर करवा रहा है, खुद अपनी स्थिति खराब कर रहा है। अब हम तो बार बार कहते रहे हमारी पूर्व की सरकारें अभी वर्तमान सरकारें कि पाकिस्तान कहाँ था आतंकवादियों के साथ, लेकिन ये इस बार ये जिस तरह से अफगानिस्तान में हुआ है और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उससे साफ साफ जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान जो है पूरी तरह से आतंकवादी पोषक है,
रास्ता है और उसको खुद सोचना चाहिए कि आने वाले समय में अगर इस तरह की गतिविधियां रही तो फिर वो भी वहीं जा रहा है जहां अफगानिस्तान गया, युद्ध में पाकिस्तान को पाकिस्तान के शासक झोंक देंगे, वहां पे भी सत्ता परिवर्तन जनता नहीं कर पाएगी जैसे अफगानिस्तान में हो रहा वैसा होगा। तो पाकिस्तान को खुद सोचना है कि अगर उसे राष्ट्र के रूप में रहना है, विश्व के पटल पे रहना है, तो वो ऐसा काम न करे जिसके वजह से उसकी छवि एक आतंकवादी राष्ट्र की बने, वो उसके लिए बहुत खराब है। बिल्कुल संदीप जी, जिस तरह से आपने तमाम बातें कही हैं उसे ये जरूर कहा जा सकता है कि भारत अपना रास्ता खुद निकालता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है, तालिबान ये कह रहा है, तालिबान के जो प्रवक्ता हैं लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं और भारतीय नागरिकों को कुछ नहीं वो करेंगे, तो पाकिस्तान अगर तालिबानियों को भड़काता है, तालिबान को भड़काता है, तो हो सकता है कि तालिबानी लड़ाके जो हैं वो भारत के रास्ते माफ कीजिएगा पाकिस्तान के रास्ते भारत में दाखिल होने की कोशिश करें, इससे नुकसान भारत को हो सकता है। देखिए भारत अपनी सुरक्षा करना जानता है और भारत को किसी भी राष्ट्र से कोई खतरा नहीं है ना, भारत से किसी राष्ट्र को खतरा है, इसलिए हम लोगों को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा हम सभी भारतीयों को ये सोचना है कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, हम सब लोग को मिलकर अपने राष्ट्र के लिए अच्छा करना है। किसी भी विदेशी ताकत की इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ नजर उठा के देखे या कुछ सोच सके। देखिए पाकिस्तान बहुत छोटा मुल्क है, पाकिस्तान को जानने की जरूरत नहीं है और पाकिस्तान से डरने की जरूरत नहीं है, तालिबान से चढ़ने की जरूरत है। इस तरह की चीजें जो माहौल बना हुआ है उस माहौल से मैं जनता को सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारी सामरिक शक्ति, हमारी सॉवरेंटी भारत की और देशों के मुकाबले, हम हमारी एकता, ये सब इतनी तटस्थ है कि हम किसी भी रास्ते आंखें मिला के आज बात कर रहे हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है और पाकिस्तान की इतनी जरूरत नहीं है कि अब वो भारत की तरफ आंख उठा के देखे। ठीक है संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो भारत को डरने की जरूरत नहीं है ऐसा लगातार भारत सरकार कह रही है, भारत सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत पूरी तरह से सक्षम है, भारत में जो बॉर्डर्स है उनको पूरी तरह से सील किया गया है। सील का मतलब ये है कि वहाँ पर चौकसी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान अगर गलत निगाह से भारत की तरफ देखता है तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, और तालिबान से जिस तरह से पाकिस्तान अपने रिश्ते बढ़ा रहा है तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो अफगानिस्तान के हालात हुए हैं वैसे ही पाकिस्तान के हालात होते हुए नजर आ सकते हैं। तो खून की आखिरी बूंद बहाने के लिए हम तैयार हैं, पंजशीर के लड़ाके कहते हुए नजर आ रहे हैं। तालिबान ही दावा कर रहा है कि पंजशीर पर उसने अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगी। लेकिन इससे यह साफ हो गया है पंजशीर और तालिबान की लड़ाई में कि पाकिस्तान ना तो पंजशीर के साथ है ना ही अफगानिस्तान के साथ है, पाकिस्तान है तो है उन आतंकियों के साथ जो तालिबान के रूप में तबाही मचाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार है। अगर पाकिस्तान गलत निगाह से भारत की तरफ देखता है तो भारत मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देगा और तालिबान को भी दे सकता है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।